अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज मैं आपको अपनी नर्सरी का पूरा टूर कराऊंगी। और सबसे पहले खुश रहें, आबाद रहें। ये देखें, ये आ गई हमारी नर्सरी। ये देखें, सबसे पहले ये मैं आपको अपने भुट्टे के पौधे दिखाऊंगी। इनमें देखें फूल आ गए, लेकिन अभी तक इनमें मुझे कहीं भी कोई फ्रूट नज़र नहीं आया है, लेकिन फूल माशाल्लाह इनमें देखें खूब आ गए। और ये है हमारी मनी प्लांट। और ये देखें सिटाफर का पौधा मेरा कितना बड़ा है। नीचे धनिया है, ओ सॉरी पुदीना है। ये शोपीस है। और ये देखें इसमें कितने खूबसूरत लग रहे हैं फूल। इनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि खिलेंगे या इसी तरह रहेंगे। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें, ये भी शोपीस हैं, ये मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। ये भी शोपीस है, ये भी शोपीस हैं। ये देखें वो मनी प्लांट है। और ये एक छोटा सा है। और ये देखें इसमें ना ये लेंथ वाले बड़े वाले टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। ये देखें ये चेरी टमाटर लग रहे हैं मुझे, ये निकल आए हैं। ये देखें माशाल्लाह इनके सीड डाले थे मैंने। ये सब सीड मैंने ज़्यादातर घर से ही बना के डाले हैं। और ये देखें फूल माशाल्लाह इनमें भुट्टों में खूब निकल रहे हैं। ऐसे निकलेंगे तो यहाँ से भुट्टे नज़र आएंगे इनमें। ये देखें यहाँ भी मैंने जो है ये एक टोकरी में ये लगाई है। ये ब्रोकली है, ये देखें ये ब्रोकली है। और ये टमाटर के पौधे, ये देखें माशाल्लाह इनमें भी फ्लावर आ गए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये पोई हमारी जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये देखें पोई में जो फ्लावर आए हुए, ये महरून हो जाते हैं। और जब ये महरून हो जाते हैं आप लिप पे लगाओ तो इनका कलर भी आता है। ये जब आएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी ज़रूर। और ये देखें ये हमारी बेसन में लगी हुई है पालक है। और ये देखें ये गोल गोल, पता नहीं ये कौन सा साग है या क्या फ्लावर है, कुछ भी है, ये मुझे पता नहीं चल रहा। ये इंशाल्लाह जब बड़ा होता जा रहा है फिर बचाओ। पालक देखें कितनी खूबसूरत हो गई है। और ये देखें इनके नाम मुझे फूलों के इतने याद नहीं है, इनमें स्टार फूल लगते हैं। और ये देखें ये मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरफ हमारे शलजम के पौधे हैं, ठीक है ना। ये शलजम के पौधों में, चलें आप शलजम निकाल लें जो एक दो हैं। हाँ ये देखें, सुनो उठ के खड़ी हो और एक अंदर की तरफ है उधर, ठीक है। मैं उस तरफ से, हाँ रोक लिया है वो हमने, हाँ, उसकी तुम टेंशन नहीं लो। एक मिनट, तरफ से बनाऊंगी मैं, बनाऊंगी इस तरफ से ही, लेकिन तुम नहीं आओगी, इस बात से बेफिक्र रहो। नहीं मैं देख रही हूं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, जो दो तीन मोटे मोटे है ना, एक ये है, हाँ ये एक दो तीन, एक ये चार, ठीक है। ये चारों निकाल लेना, चलो पहले फिर ये उसके समेत ही निकालना। ये देखें ये शलजम, ये देखें ये शलजम है, ये निकाल रही है। हाँ इनको झाड़ लो, मिट्टी झाड़ लो। और ये देखें एक ये भी थोड़ा सा है के लिए, चलो जी निकल जाएं ये सब। ये देखें जनाब ये हमारी पालक कटिंग होने लगी है। माशाल्लाह पालक देख सकते हैं आप, कितने प्यारे पत्ते हैं, कितने खूबसूरत पत्ते हैं। और ये जो कटिंग कर रही है मेरी सिस्टर है, ये देखें ये बीच में पोई की भी टहनी आ गई है। ये पोई असल में पका के खाते हैं, इसका भी सालन बहुत अच्छा बनता है। पालक के बारे में तो खैर आप लोगों को सबको काफ़ी हद तक पता ही है, लेकिन ये पोई भी जो है ये बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर एक लेस टाइप का होता है जिसकी वजह से ये स्किन के लिए भी अच्छी होती है, हड्डियों के लिए अच्छी होती है, काफ़ी बेहतर होती है ये। ये देखें मेरे पास, आप देखेंगे मेरे गार्डन में ज़्यादातर मैंने बेकार चीज़ों में जो है, ये बेसन जैसा कि बेकार था, ये देखें मैंने इसके अंदर ही ये पालक लगा दी। और पालक को इतनी ही जगह चाहिए होती है, देखें कितनी खूबसूरत पालक बनी हुई है। ये देखें आज सुबह सुबह, बल्कि आज रात में बारिश हुई है, बारिश की वजह से बहुत हर सब्जी बहुत प्यारी लग रही है। ये देखें इसके अंदर जो है ये मैंने ब्रोकली के भी लगाए हुए हैं साथ में। ये बंद गोभी है, वो भी ब्रोकली है। ये सारी पालक है ज़्यादातर,
आज पालक बहुत सारी निकलेगी, उधर टोकरी में भी लगी हुई है काफी सारी। ये निकली जी। ये देखें, ये शायद नज़र आ रहा है, हाँ ये नज़र आ रहा है। छोटा ही निकालो, बड़े वाले को नहीं निकालना। हाँ बड़े वाले को निकालो, सॉरी। ये देखें, ये एक चुकंदर हमें मिल गया, इसका साइज़ फ़िलहाल ये बना हुआ है। और पत्ते देखें इसके कितने खूबसूरत हैं। और यहाँ देखें, ये भी टमाटर के मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं और सब में माशाल्लाह ये देखें फ्लावर आ रहे हैं, सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं, सब में फ्लावर ही फ्लावर आ रहे हैं। ये देखें, और ये देखें, ये हैं मटर के पौधे जो मैं आपको ख़ास तौर पे दिखाना चाह रही थी। इनमें ये देखें, इनकी ग्रोथ देखें कितनी प्यारी चल रही है माशाल्लाह। और ये इनमें फूल भी आ गया है, ये मैंने आज ही देखा। और यहाँ भी आप देखेंगे ये टमाटर लगे हुए हैं, मेरे टमाटर की वजह से पौधे का वज़न सहारा नहीं जा रहा, ये लटक रहा है। ये देखें ये कितने टमाटर लगे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। और ये भी एक फिर एक ब्रोकलीला पौधा लगा हुआ है, और साथ साथ ये चुकंदर के काफ़ी सारे पौधे हैं। इनमें और भी छोटे छोटे चुकंदर बन रहे हैं, हम देखते हैं। हाँ बन तो रहे हैं छोटे छोटे। और फिर ये एक और टमाटर का पौधा आ गया, ये देखें। ये जो टमाटर का पौधा है ये मैंने 5 लीटर की बोतल में लगाया हुआ, ये देखें। और ये छोटी छोटी रेड वाली, ये देखें, अरे वाह छोटे छोटे बन भी गए भाई। ये देखें, ये आपको करीब से दिखाऊं, ये छोटी छोटी लाल बूली है, ये भी मैंने मटके की कटिंग पे लगाई हुई। और ये 5 लीटर की बोतल में ये इस तरह सकर्स आते हैं ना, ये हमें कटिंग करने होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। और ये दिखाऊं मैं आपको, ये देखें, ये हमारी पालक कटिंग हो रही है, ये देखें कितनी ज़्यादा पालक हो गई है। ये 5वीं बार पालक कटिंग कर रहे हैं हम इसमें से, और इसमें से फिर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें पालक जो हम कटिंग कर रहे थे, पालक हमने कटिंग कर दी है सारी, ये देखें कटिंग हो गई इनमें, बल्कि अभी ये बाकी हैं। ये देखें, ये बड़े बड़े पत्ते मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, ये मैं तोड़ के देती हूँ इन्हें। और वैसे तो मैं चुकंदर के पत्ते भी तोड़ लेती हूँ जो बहुत बड़े हो जाते हैं। ये देखें, आज तो पालक ही पालक हो जाएगी। पालक में से लग रहा है कुछ थोड़ा सा जैसे थ्रिप्स का मसला है ये इसके अंदर, इसको भी हम इंशाल्लाह स्प्रे वगैरह करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। और ये देखें, एक और टोकरी के अंदर मैंने ये ब्रोकली लगाई हुई, और ये मेरा बैंगन का छोटा सा पौधा, इसमें फूल आ गया है भाई। और ये साथ में सलाद पत्ते लगा दिए, ये छोटी सी टोकरी है, ज़्यादातर मेरे गार्डन में आपको ऐसी ही चीज़ें नज़र आएंगी। ये धनिया भी कटिंग कर लें भाई, और ये सलाद पत्ता भी, ये धनिया को यहाँ से कटिंग करो, यहाँ से कटिंग करो, यहाँ से धनिया को, हाँ ये वो उसमें से कटिंग करो, धनिया ही कटिंग करना बस। हाँ ये धनिया को अलग रख लो हाथ में, ये इसमें रख दो। और ये सलाद पत्ते भी तोड़ लो, ये देखें ये अलग कलर के सलाद पत्ते, नहीं 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 एक एक बीच में से नहीं कटिंग होनी चाहिए। अच्छा। और इसी में हमने देखें पुदीने की डंडियां लगाई थी, वो भी माशाल्लाह हो गई। ये लहसुन है जो थोड़ा छोटा छोटा सा लगा हुआ है, ये बाथू है, बल्कि ये बाथू भी आप तोड़ लो। ये लो भाई, ये अलग रखना लेकिन एक साइड में। ये देखें, ये पुदीना भी माशाल्लाह अच्छा खासा हो गया है, मिंट। और ये देखें, ये चुकंदर के पत्ते देखें कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, इनमें अभी चुकंदर बहुत छोटे नज़र नहीं आ रहे मुझे। ये सब मैंने ज़्यादातर टोकरी में ही लगाए हैं, बेकार टोकरी में। ये ब्रोकली का फिर एक इधर लगा हुआ है, और ये इधर टमाटर के हैं, और ये वो ये करली केल, ये है करली केल, और ये है सारी बंद गोभी में, किसी किसी में हेड बन गया है, ये देखें इसमें हेड बन गया है, काफ़ी में हेड बन गए हैं। ये हैं गाजर के पौधे जो मैं दिखाना चाहूँगी इसमें से, कुछ बड़ी बड़ी एक दो गाजरें भी हैं जो मैं सोच रही हूँ निकालूँ किसी तरीके से। ये आप आके निकालो यार, दरअसल ये गाजर बड़ी वाली, ये बड़ी गाजर निकलेगी, ये वाली बड़ी गाजर निकालो, पर दूसरी नहीं हिलनी चाहिए। हाँ ये दूसरी तो हिल जाएंगी, निकालो इस तरीके से, हाँ निकालो ये लो। ये तो बिल्कुल ही डबल टाइप की गाजर निकली है, ये देखें ये छोटी सी निकली है बिल्कुल गाजर में, ये लो
ये रहो, ये ले जाओ, इसको वहाँ रखो। और ये देखें, इस तरफ भी मैंने ये बंद गोभी के लगाए हैं, इनमें भी हेड बन रहे हैं। अब इस तरफ आ जाओ, ये जो थोड़े से मटर हैं ये तोड़ लो इसमें से। ये देखें हमारी फसल, ये देखें, ये पौधे ख़राब हो गए हैं वैसे, हमारा मटर पुलाव बन ही जाएगा। ये देखो इसमें भी है इधर छोटे छोटे, ये देखें एक मटर हमारा हाथ से फिसल के नीचे गिर गया है। वो देखें ये छोटे छोटे मटर हैं। क्योंकि ये पौधों में बस अब बहुत मुश्किल से अब फूल आएंगे, और शायद आ भी जाएं, जो ग्रीन होंगे पौधे उनमें आ जाएंगे। और ये देखें फिर ये चुकंदर के पौधे लगाए हुए हमने, ये देखें ये चुकंदर के पौधे हैं, ज़्यादातर इनमें अभी बने नहीं, ये थोड़े से शलजम के हैं इसमें, और चुकंदर ये एक पालक के लगे हुए हैं। ये देखें पालक, मैंने कहा ना जहाँ भी एक बीज गिर जाता है या हम एक बीज भी कहीं लगा देते हैं तो माशाल्लाह उससे पालक हमें बड़ी मिलती है। और ये देखें ये है मूली, आज हम ये मूली भी, आ जाओ भाई ये मूली निकालो, ये बल्कि मैं खुद ही निकाल देती हूँ, ये ले जी, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये देखें आज की मूली, और ये कितनी प्यारी है, हालांकि इसके पत्तों में थोड़ा सा कीड़ा लग रहा है लेकिन मूली बड़ी अच्छी है। लेकिन ये देखें ये ले जी, ये हमारी सिस्टर लेकर जाएंगी, उनका कहना है कि भाई ये मैं लेकर जाऊँगी, चलो कोई बात नहीं आप ले जाओ। और एक मूली एक और है, बिस्मिल्लाह, लो भाई ये तो बहुत छोटी सी निकली है, ये देखें एक और मूली, ये लो भाई, यहाँ पर हैं अभी दो चार मूलियाँ और बन जाएंगी इंशाल्लाह, बन रही हैं वैसे तो, एक ये रही लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए, चलो फिर उनके साथ देखेंगे। ये देखें ये मूलियाँ थी हमारी, गाजर हमारी एक ही वसूल हुई है भाई, वैसे तो एक और भी मुझे लग रहा है लेकिन मैं कह रही हूँ थोड़ी और बड़ी हो जाए, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ ऊपर दिखाती हूँ, ये देखें ये इनमें भी हेड बन रहे हैं, ये देखें ये देखें, ये हमारे छोटे पौधे के टमाटर देखें, चेक करें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं इनमें, ये देखें। और ये एक मैंने सलाद पत्ते का छोड़ा था, इसके अंदर ये सीड बन रहा है, ये हमने सीड बनने के लिए छोड़ा है। और ये हमारे रेड टमाटर, चलें भाई कटिंग कर लें, ये एक, ये सारे रेड जितने भी, और जो थोड़े से येलो हो रहे हैं, और ये तीन, ये देखें आज इन टमाटरों का टाइम आ गया कटिंग करने का, और आज इसी से हम खाना बनाने वाले हैं घर में। और ये देखें ये पक्कर खुद ही आ गया हाथ में, ये जो येलो से हो रहे हैं ये भी कटिंग कर लो, जो हो रहे हैं हम ये भी कटिंग कर लेंगे आज, क्योंकि ये खुद ही रेड हो जाएंगे। चलो एक ही ये भी येलो हो रहा है, हाँ ये भी कटिंग कर ले, तो ये भी कटिंग कर लिया हमने। और ये देखें ये छोटे छोटे जो हैं, ये तो आपको दिख रहे हैं कितने हैं, ये देखें, ये देखें जनाब, ये हमारे एक और पौधे में टमाटर लाल हो गए, ये लाल वाले कटिंग करो बस, और कोई सा नहीं कटिंग, टमाटर हम लाल वाले कटिंग कर लो बस, ये बस। लो ये एक टमाटर मौसूल हो गया हमें। और ये देखें इस तरफ है मूंगरे, अब मूंगरे मूंगरे जो बड़े बड़े हैं इनमें से हम वो तोड़ेंगे, क्योंकि ये फिर पकने लग जाएंगे। मूंगरों में ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा हमें, मूंगरे भी बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है, मुझे तो बड़े पसंद है, आप मुझे बताएं आपको पसंद हैं कि नहीं है। कमेंट में बताइए कि मैं ये जो कर रही हूँ ये अच्छा कर रही हूँ कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है। ये देखें इसमें भरे हुए कितने हैं, आप देख सकते हैं पूरा पौधा जो है, ये दो या तीन शायद पौधे हैं, और ये सब भरे हुए इतने ज़्यादा मूंगरे में, सब तोड़ के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने मूंगरे निकले। ये देखें ये शहद की मक्खी, ये देखें अभी भी रस पी रही हैं यहाँ पे, माशाल्लाह बड़ी सारी आती हैं शहद की मक्खियाँ। और ये देखें ये देखें ये अभी भी यहाँ पर ये रस पी रही हैं, मैंने जैसा कि पहले भी वीडियो में दिखाया था और मैं आज फिर दिखा रही हूँ, नहीं मैं आ रही हूँ मेथी के लिए, मैं फिर बताती हूँ। ये देखें ये यहाँ पर भी एक शलजम है, ये तो काफ़ी बड़ा शलजम लग रहा है मुझे, ये देखें ये देखें ये अच्छा खासा बड़ा शलजम है। और यहाँ पर ये देखें ब्रोकली के पौधों में
छोटी सी ब्रोकली आ गई है, इकड़ दुकड़ छोटी छोटी ब्रोकलियाँ आ रही हैं। ये देखें, ये फिर टमाटर के पौधों में इधर फूल आ रहे हैं, और ये देखें इधर माशाल्लाह कितने टमाटर लगे हैं। आप ये देखें, ये देखें, ये सब टमाटर हमें वसूल होंगे इंशाल्लाह। ये देखें, और ये टमाटर के पौधे, ये टमाटर के पौधे को कुछ मसला हो गया है, शायद कैल्शियम की कमी है। और ये देखें लाल बंद गोभी है, ये फिर टमाटर के छोटे छोटे पौधों में फूल आ गए हैं, और ये बंद गोभी के हैं, और ये लहसुन लगे हैं, ये बाथू लगा है, ये देखें बाथू लगा हुआ है, बाथू भी आज हम तोड़ ही लेंगे। ये देखें खुद ब खुद ही निकल जाते हैं इन बेचारों के, तो सीड भी कोई डाले या ना डाले खुद ही निकल जाते हैं ये, और कच्चे इतने होते हैं। ये देखें ऐसे ही टूटे जा रहे हैं। अब सरसों हमारे पास थी नहीं, नहीं तो ये देखें बाथू भी वसूल हो गई। ये हमारी मेथी देखें कितनी खूबसूरत है, और बहुत ज़्यादा जड़ में से नहीं कटिंग करना, ये थोड़ी सी उठा के कटिंग करना बस। ये देखें आज हम मेथी भी हार्वेस्ट करने लगे। आज मैं आपको मेरे गार्डन में से जितनी भी सब्जियां निकलेंगी वो मैं दिखाऊंगी कि आज मेरे पास कितनी सब्जियां निकली हैं। लास्ट में ये ले भाई, हमारे सब्ज़ी वाले भी आ गए, आपको आवाज़ आ रही होगी सब्ज़ी वाले की। ये देखें ये हमने सारी कटिंग, आपको अपना मिंट भी दिखाना चाहूँगी। ये देखें मिंट की टहनियाँ चेक करें आप, कितनी अच्छी चल रही है माशाल्लाह, इसकी ग्रोथ बड़ी प्यारी चल रही है। ये देसी टिप टिप ऊपर ऊपर से टिप टिप कटिंग करो इनकी। हाँ ये जो बड़ी बड़ी हैं वो कटिंग करना, छोटी टिप नहीं कटिंग करो, ये अलग ही रख लो, पुदीना मुझे हाथ में दे दो। ये देखें टिप टिप कटिंग करेंगे ना तो ये और ज़्यादा इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। बस काफ़ी है, ये मैं लेके जाऊंगी जितनी हमें ज़रूरत होती है। हाँ ले जाना, हाँ। जितनी हमें ज़रूरत होती है हम यहाँ से ले लेते हैं। ये क्या पुदीना ही है, ये देखें ये अभी हमने इतना पुदीना वसूल कर लिया है, और